हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ मैजिशियन जसमीत मैम्स क्लास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। बट अभी तक हमने अपनी लास्ट वीडियोस में क्या क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि एंगल फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है, जब दो लाइंस मीट करते हैं तो एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और अगर हमने ये भी किया था कि किस किस तरह की लाइंस हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, और अगर उन दोनों को एक थर्ड लाइन कट करती है तो किस किस तरह के एंगल्स फॉर्म होते हैं, उन एंगल्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप होता है, ठीक है बेटा। ये अभी हमने अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार बेटा जरूर जाके इन वीडियोस को चेक करना, यू विल गेट द डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द टॉपिक, ठीक है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमें दो अलग अलग तरह के एंगल्स दिए हुए, मतलब पेयर ऑफ एंगल्स दिया हुआ है, तो क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास इस तरह के एंगल्स है कि उनका मेजर 90 डिग्री है। सपोज वी आर हैविंग टू एंगल्स लाइक, ये देखो ये है हमारे पास एक एंगल हमने बना दिया, मतलब हम इनको लेबल कर लेते हैं। बेटा लेबल जरूर करना किसी भी एंगल को, लेट इट सम बी 60 डिग्री। कोई दो एंगल्स ऐसे दिए हुए हैं हमारे पास कि अगर हम उनको ऐड कर दें, ठीक है, अगर उनका सम कितना है हमारे पास, when the sum of the measure of the angles, sum of measures of angles is 90 degree, ठीक है, अगर angles के measure का sum कितना है 90 degree, then such type of angles are known as complementary angles, ठीक है। इस तरह के angles को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इज इट क्लियर, जब उनका सम कितना है हमारे पास 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे एक एंगल हमारे पास है 60 डिग्री का, दूसरा कौन सा हमारे पास 30 डिग्री का, सो दीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और बेटा अगर हमें ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपके पास एक एंगल है वो 60 डिग्री का है और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 90 में से 60 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम इनको ये भी बोलते हैं, वन एंगल इज सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर एंगल, ठीक है। ये था हमारे पास पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल्स की, अब हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, यहाँ पे हमारे पास सम कितना था 90 डिग्री, अगर हमारे पास सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर उनका सम कितना है 180 डिग्री, देन द एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, हमारे पास ये है, सपोज कर लो ये है हमारे पास 140 डिग्री, ठीक है, पहले इनको बेटा लेबल कर लेते हैं, 83 एंगल AOB, ठीक है। तो और दूसरा कौन सा है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास ये वाला एंगल, लेट इट बी POQ, इसका मेजर कितना है हमारे पास 40 डिग्री, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो दिस पेयर इज सेड टू बी पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड ईच एंगल इज सेड टू बी सप्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल। इज इट क्लियर। नेक्स्ट कम्स Here it is, adjacent angles. बहुत बार आपने सुना भी होगा, लिखा भी होगा, तो अब हमारे पास है adjacent angles. बेटा this is very very important कि adjacent angles क्या होते हैं, और इसमें students को बहुत ज़्यादा confusion भी होती है कि adjacent angles को कैसे verify करने के लिए है, adjacent angles है या नहीं है। तो इसके लिए बेटा हमारे पास 3 conditions होती हैं, और वो कौन कौन सी 3 conditions है। First of all, they must have a common vertex. अगर कोई भी हमारे पास पेयर दिया हुआ है एंगल्स का, अगर हमें चेक करना है कि वेदर दीज आर एडजेसेंट और नॉट, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि उनका वर्टेक्स कॉमन है, ठीक है, देन वी विल चेक दे हैव कॉमन आर्म और नॉट, कि उनकी कॉमन आर्म है या नहीं है, एंड थर्ड नॉन कॉमन आर्म्स
known common arms are on the either side of the common arm. Known common arms are on the either side of the common arm. और इसे हम एक बार और भी ऐसे भी बोल सकते हैं, और दे डोंट हैव एनी नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स, क्योंकि बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट, इंटीरियर कॉमन पॉइंट नहीं है. तो इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक एंगल्स का पेयर ले लेते हैं. ठीक है, मेरे पास सपोज करो जी है, लेट इट बी ए बी सी. एक तो हमारे पास एंगल बन रहा है एंगल ए ओ बी, लेट इट बी लेबल्ड एज एंगल वन. और सेकंड हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, सेकंड बन रहा है एंगल बी ओ सी, लेट इट बी लेबल्ड एज एंगल टू. अब हमें ये चेक करना है कि एंगल वन और एंगल टू जो है वो एडजेसेंट एंगल्स का पेयर फॉर्म करें या नहीं करें. तो वी विल सेटिस्फाई दिस थ्री कंडीशंस. ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन कौन सी है कि उनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. बेटा कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन सा होता है, जहाँ पे उनकी आर्म्स मीट करती है, और आर्म कौन सी होती है जिनसे ये मिलके बना होता है. ठीक है, इट मीन्स दिस इज अ वर्टेक्स ना, यहाँ पे तो रेज मीट करी है, यहाँ पे तो लाइंस मीट करी है, तो इन दोनों का एंगल वन और एंगल टू का वर्टेक्स तो यही है कॉमन. सो पहली कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई होगी. ठीक है, नेक्स्ट इज दे मस्ट हैव ए कॉमन आर्म, उनकी एक आर्म कॉमन होनी चाहिए. यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल ए ओ बी, इसमें ये वाली आर्म क्या है, कॉमन है. एंगल बी ओ सी के बीच में भी ये वाली आर्म आ रही है, तो इसमें सेकंड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है. अब थर्ड कंडीशन अगर हम चेक करें कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये तो बात हुई हमारी कॉमन आर्म की, अब क्या है नॉन कॉमन आर्म्स, मतलब कि जो आपस में कहीं पे भी कॉमन नहीं है. इट मीन्स ओ ए एंड ओ सी की बात करें, ये क्या होनी चाहिए, आर ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. मीन्स ये जो कॉमन आर्म है उनकी ऑपोजिट साइड पे ये दोनों होनी चाहिए. ठीक है, एक है ऑपोजिट साइड पे है, एक उस साइड पे है, और एक उसकी दूसरी साइड पे है. इट मीन्स थर्ड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई होगी. तो कैन वी से एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी आर फॉर्मिंग ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, और वी कैन से एंगल वन एंड टू आर फॉर्मिंग ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, और अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें एडजेसेंट एंगल्स को वेरीफाई करने के लिए, तो चलो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चेक करते हैं कि वेदर दीज आर एडजेसेंट एंगल्स और नो. यहाँ पे एक हमारे पास ही है, लेट इट बी सी. अब हमें ये चेक करना है, लेट इट बी लेबल्ड एज एंगल वन एंड एंगल टू. अब हमें ये चेक करना है कि एंगल वन एंड टू जो है ये एडजेसेंट है या नहीं है. तो चेक करें थ्री कंडीशन. सबसे पहले तो ये चेक कर ले कि इनका कॉमन वर्टेक्स. बेटा अब ये देखो एंगल वन का वर्टेक्स कहाँ पे है, ये वाला है एंगल वन का वर्टेक्स, और एंगल टू का वर्टेक्स कहाँ पे है, ये वाला है. इनका तो कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है. इट मीन्स दीज आर नॉट फॉर्मिंग पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर पेयर. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बहुत बार आप इसे यूज करते हो बेटा. अब क्या है लीनियर पेयर, कि कोई भी दो एंगल्स जो है वो लीनियर पेयर कब फॉर्म करते हैं. तो उसके लिए भी हमारे पास दो कंडीशंस हैं. तो पहली कंडीशन हमारे पास जो है, एंगल्स शुड बी एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, पहले तो वो एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए, और सेकंड क्या होने चाहिए, दे मस्ट फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, ये क्या कौन से एंगल्स फॉर्म करने चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स. मीन्स उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. चलो यहीं पे हम इसको ही अगर दोबारा से चेक करना है, ये हमें पता है कि ये एडजेसेंट एंगल्स को फॉर्म करते हैं, बट अगर हमें ये चेक करना है कि वेदर इट इज फॉर्मिंग ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स और नॉट. अब ये देखो ये सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का सम तो फॉर्म नहीं करे. इट मीन्स दिस इज नॉट ए पेयर ऑफ, दिस इज नॉट अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ठीक है, अब लीनियर पेयर की एक एग्जाम्पल भी तो वेरीफाई कर लेना. ठीक है, तो फॉर दिस लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, ये है लेट इट बी एंगल वन, लेट इट बी एंगल टू. पहले तो हम ये चेक कर लें कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन,
इट शुड बी एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल के लिए ये वाली तीन कंडीशंस कि वन और एंगल जो टू है एडजेसेंट है या नहीं. तो कॉमन वर्टेक्स, यस दे आर हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स. इज इट क्लियर? ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी. नेक्स्ट कॉमन आर्म, इनकी कोई कॉमन आर्म है? यस, ये जो ओ ए है ये क्या है, इनकी कॉमन आर्म है. थर्ड क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स. नॉन कॉमन आर्म्स मीन्स ओ सी एंड ओ बी आर ऑन द ईदर साइड. ये कॉमन साइड है, इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो थर्ड कंडीशन भी वेरीफाई हो रही है. एंड फोर्थ वन, दे मस्ट मेक सप्लीमेंट्री एंगल्स, कि उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए. ये देखो, अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है इट मीन्स दे आर फॉर्मिंग ए सप्लीमेंट्री एंगल. सो इनका सम भी 180 डिग्री है. सो हियर वी कैन से एंगल 1 एंड एंगल 2 वी आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर. इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स. ठीक है बेटा, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.